तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर किस तरीके से हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। और मनोज जी और रमेश महतो जी हमारे साथ हैं, मैं रिकॉर्डिंग अलाउ कर दिया है, आप सेशन को रिकॉर्ड कर लें। जैसे कि हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में लास्ट क्लासेस में हमने ये चीज जाना था कि किस तरीके से हम एक पर्टिकुलर कंडीशंस में सेल्स को हाईलाइट करते हैं, आज हम आपको कुछ अलग अलग ट्रिक्स जो है इस कोर्स में क्लासेस में हम आपको बताएंगे। छोटे छोटे ट्रिक्स है लेकिन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके सामने, मान लीजिए कि मेरा ये यहां पे एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। अब इस मोबाइल नंबर में मुझे डुप्लीकेशन अगर मैं लिखता हूं कि यहां पे डबल हो गया कि 8025793 88। अब मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग में हाईलाइट डुप्लीकेट करता हूं तो क्या होता है कि दोनों नंबर या तीन हुआ तीन या चार हुआ तो चार हाईलाइट हो जाएगा। बट मुझे क्या करना है कि सिर्फ मुझे पहले वाले को छोड़ के बाकी को हाईलाइट करना है। जैसे कि मान लीजिए कि नंबर तीन बार रिपीटेड है तो ये नंबर इसको इन दोनों को हाईलाइट करे बट हमारा पहला वाला हाईलाइट नहीं हो। चलिए इसके लिए हम फीचर इस्तेमाल करते हैं, हम यहाँ फॉर्मूला काउंट इफ का लगाएंगे। काउंट इफ में अगर पूरा रेंज दे दिया और इसको सिलेक्ट कर लिया तो ये बताएगा कि पूरे कॉलम में ये नंबर कितना बार रिपीट है। इसने बताया 3। अब मैं इसको कॉपी करके नीचे ले जाता हूं तो वहां भी 3 ही दिखाता है। बट मुझे क्या चाहिए कि यहाँ पे 1 दिखाए, यहाँ पे 2 दिखाए, यहाँ पे 3 दिखाए। तो हम काउंट इफ का फॉर्मूला ही इस्तेमाल करेंगे लेकिन उसमें छोटी सी ट्रिक्स को अपनाएंगे। तो हमने A2 से लेके A2 और इसको सिलेक्ट करके A2 कर दिया, रिजल्ट 1 आया। अब पहले वाले A2 को हम फ्रीज कर देते हैं, उसके बाद इसको कॉपी करके नीचे की तरफ मैं पेश करता हूं। तो देखिए यहां 1, यहां 2 और यहां 3 हो गया। बस इसी फॉर्मूला को कॉपी कर लीजिए सेम, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के न्यू रूल्स में आएंगे और न्यू रूल्स में सबसे नीचे फॉर्मूला आता है उसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहां पे अपनी कंडीशन को सिलेक्ट कर ले एंड ओके और फिर फॉर्मेट प्रिंटर से जहां प्रिंट करना है प्रिंट कर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने कोई कंडीशन नहीं दिया अभी तक, इसलिए हाईलाइट किया। तो यहां पे कंडीशन ग्रेटर देन 1 देना है, क्या देना है, ग्रेटर देन 1, ताकि एक वाले को हाईलाइट कर दे और बाकी को हाईलाइट ना करे। समझ में आया रमेश जी? हेलो, हाँ जी, क्लियर हो गया। ओके, अच्छा चलिए इसी तरह कुछ और क्वेश्चन की हम आंसर ढूंढते हैं। जैसे कि मेरा यहाँ पे अकाउंट नंबर है, राइट। अब यहाँ पे मैं दो चीज चाहता हूं, पहला चाहता हूं अकाउंट नंबर जो यहाँ टाइप हो रहा है वो मेरे मुझे दूसरे सीट में या दूसरे लोकेशन में कुछ अकाउंट नंबर टाइप है। मैं चाहता हूं कि अगर ये अकाउंट नंबर टाइप हो तो यहां पे हाईलाइट हो जाए, ठीक है सर।